हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका, और आज हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन सेट डील करने वाले हैं। मैं हर एक लेसन में 100 क्वेश्चंस को डील करती हूँ, और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि 20,000 स्टैटिक क्वेश्चंस हम लोग को कंप्लीट करनी है, और हर दिन जो है 100 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते। और आप यहाँ देखते हो कि 10 to 15 मिनट्स में ही आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। यहाँ पे मैं ऑप्शन वाला नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट वाला दे रही हूँ, क्योंकि अब ऑप्शन वाला क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब सॉल्व करते हैं और एग्जाम टाइम में जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके की क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो ना डायरेक्ट आंसर वाली, तो आपको वहाँ एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा जो करेक्ट आंसर को हिट करने में जो हेल्प मिलेगा ना, वो और कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 400 से, क्योंकि अप टू 400 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे, तो 400 से आज 500 तक चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 400 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी ओशन में आपको मैरियाना ट्रेंच मिलेगा? तो ये है पैसिफिक ओशन। 401 है कि पोटैटो को जब कट करते हैं तो आयोडीन जो है वो टर्न हो जाता है ब्राउन कलर से ब्लू ब्लैक में, क्यों टर्न हो जाता है, किसके प्रेजेंस से? तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्च, स्टार्च होती है उसके कारण जो है पोटैटो ब्राउन से ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि कितनी वैल्व्स होती है ह्यूमन हार्ट में? ह्यूमन हार्ट में आपको देखने को मिलेगी कि 2 वैल्व होती है। ओके, नेक्स्ट है कि मेन फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट्स का? लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन है कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन करती है, यानी एंटीबॉडीज़ का जो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है कि सेलेवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है कौन से एंजाइम को? ये है डाइस्टेस। सेलेवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होता है, ये हमारे डाइस्टेस को सिक्रीट करता है। जो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है वो किसका है? वाटर का है। ओके, तो हम लोग उसको क्या, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कि यूज़ होता है सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट को, मतलब सी के अंदर कोई भी सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट है तो उसको लोकेट करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस को यूज़ करते हैं? तो ये है सोनार। ओके, नेक्स्ट है जब लिक्विड बॉयल करता है तो वाटर वेपर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? ओके, यहाँ पे हिंट दिया है कि जब अगर आपका वाटर जो है बॉयल करेगा तो वेपर प्रेशर जो है इक्वल टू होगा या लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब आप बॉयल करोगे ना लिक्विड, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके, नेक्स्ट है कि किस पर्पज़ के लिए हेवी वाटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो ये आपका होता है मॉडरेटर। ओके, मॉडरेटर के लिए हेवी वाटर को जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि कितने टाइम, बहुत टाइम में पुलिस जो है वो यूज़ करती है टीयर गैस, जो मॉब होते हैं ना, भीड़ होते हैं ना, उसको हटाने के लिए टीयर गैस यूज़ करती है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? टीयर गैस मीन्स आंसू गैस, आप लोग सुने होंगे कि पुलिस जो है आंसू गैस छोड़ देती है जिससे जो भी भीड़ होती है मॉब होती है वो हट जाती है। तो इसमें हमारा बेसिकली क्लोरीन होता है। ओके, क्लोरीन के कारण जो है, अगर आप क्लोरीन ज़्यादा आँख नेकेड आई से देखोगे ना, तो आपके आँख में जो है ना पूरी तरीके से पानी भर जाएंगे। नेक्स्ट है कि हेड क्वार्टर कहाँ है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ICJ जो है इस बार बहुत न्यूज़ में था, तो आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो ICJ का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है सुब्रतो कप ये किस गेम से एसोसिएटेड है? ये है फुटबॉल। नेक्स्ट है कि उस फर्स्ट टॉकी फिल्म जो हमारा इंडिया में था उसका क्या नाम है? फर्स्ट टॉकी फिल्म है अलार्म अरा। ओके, नेक्स्ट है कि किस दिन सेलिब्रेट करते हैं कंज्यूमर डे? ये है 15th of March। नेक्स्ट है कौन सी सेल है हमारे बॉडी में जो कि लिस्ट जनरेटिव पावर होती है, मीन्स वो जल्दी जनरेट नहीं हो पाती है? तो ये है ब्रेन सेल। ब्रेन सेल हमारे माइंड में होती है, हमारे दिमाग में होती है, यहाँ पे जो है ये बहुत कम ही जनरेट हो पाती है। नेक्स्ट है तुगलक खिलजी स्लेव लोधी, इसका राइट आपको सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन से शासक आए, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ओके, तो पहले आए स्लेव, फिर आए खिलजी, फिर है तुगलक, फिर है लोधी। ओके, नेक्स्ट है कि कौन सी स्टेट है आज की डेट में जिसको हम लोग एम्पायर ऑफ सतवाहानास किंग कहते हैं? तो ऑब्वियस है कि ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कि हम्पी जो है वो फेमस है किस मॉन्यूमेंट के लिए? हम्पी जो है आपको 200 नोट्स के पीछे देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम्पी जो फेमस है वो आपका है विजयनगर एम्पायर। ओके, नेक्स्ट है कि जो बैटल है टालीकोटा का वो किस ईयर फाउट किया गया था, मीन्स किस ईयर लड़ा गया था? तो ये है 1565। नेक्स्ट है कि किन्होंने हैलीबीड और बेलर का टेंपल बनवाया था? ये है होयसालास। ओके, नेक्स्ट है एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू किया था, तो वो कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है ना वो कॉल ऑफ कर दिए थे, मीन्स बंद कर दिए थे, तो वो कौन सा मूवमेंट था? चौरी चौरा इंसिडेंट।
चौरी चौरा इंसिडेंट आपका 1922 में हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, तो गांधी जी को ये नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है वापस लेना पड़ा था। ओके नेक्स्ट है कि टू एंटीलॉप्स और एक हंटर जो है वो नोटिस किया गया था सिमेट्री एच, जो कि आपका कौन से एंशियंट सिविलाइजेशन से है, तो ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहाँ आपको टू एंटीलॉप्स और एक हंटर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अंडर मौर्य द कुमार, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए थे, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये थे प्रोविंशियल गवर्नेंस के लिए। ओके नेक्स्ट है कि औरंगजेब, ये आपको औरंगजेब जो है वो गुड प्लेयर थे किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो औरंगजेब क्या बजाते थे, तो औरंगजेब जो है वीणा के गुड प्लेयर थे। नेक्स्ट है कि क्या नाम आपको दिया गया है मुस्लिम स्कॉलर का जो आपका महमूद गजनीस के टाइम पे था, तो ये है अलबरूनी। नेक्स्ट है कि जो यूज़ होता है रनिंग वाटर का इवन इन पैलेसेस और प्लेजर रिसॉर्ट्स में, वो स्पेशल फीचर्स होता है कि ना किस आर्किटेक्चर का, ये है मुगल, मुगल के टाइम से ये आया था कि जो आप पैलेसेस या फिर आप कोई भी रिसॉर्ट में देखते होंगे कि रनिंग वाटर का फीचर होता है, तो वो रनिंग वाटर का फीचर मुगल शासक से ही आया था। ओके नेक्स्ट है कि क्या नाम है उस वर्सेटाइल जीनियस राइटर का जो जिन्होंने लिखा था हिंदी पर्शियन अरेबिक में अकबर के शासनकाल में, तो ये है आपके अब्दुल रहीम खान खाना। ओके नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बाबर नामा व्हाट लीड हिम टू कम टू इंडिया, उनको क्या ऐसा दिखा कि वो इंडिया आए। ओके बाबर नामा के अकॉर्डिंग तो उनको सिल्वर और गोल्ड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखा, जिसके कारण वो इंडिया आए। नेक्स्ट है चौरी चौरा इंसिडेंट, गांधी जी जो है वो किससे बात करने गए चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, वो लॉर्ड इरविन से बात करने गए। ओके उस समय वाइसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी जो लास्ट एक्सपेडिशन थे इंडिया के, वो किसके अगेंस्ट में थे, वो थे खूंखार्स, जो कि 1206 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कालिदास ने लिखा है मलिए अग्निमित्र, इस ड्रामा में जो हीरो है अग्निमित्र, उनको किस शासक, किस डायनेस्टी के किंग कहा जाता था, वो थे सुंगा डायनेस्टी के। नेक्स्ट है कब जो है अहमद शाह अब्दौली इंडिया में घुसे थे फर्स्ट टाइम, ये था 1748। नेक्स्ट है किन्होंने लिखा अकबरनामा, अकबरनामा किन्होंने लिखा, फजल अबुल फजल। ओके और ये किस लैंग्वेज में था, ये आपको पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्या नाम था उस वर्क का जो कि अबुल फजल के द्वारा किया गया था, ये है एन ए अकबारी। ओके नेक्स्ट है किस ईयर आपको अकबर जो है दीन-ए- इलाही प्रोमुलगेट करते हुए दिखेंगे, तो ये था 1581। नेक्स्ट है कौन जो है आपके जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के, जो अल्टीमेटली आपको फर्स्ट सल्तनत ऑफ तुगलक डायनेस्टी के दिखे, तो उसमें से कौन थे, ये है गाजी मलिक। नेक्स्ट है जो इंडिव्योर था जिसमें कि आपको रियल एलिमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस हुआ था, वो किस गवर्नर के द्वारा किया गया था, ये थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है इन सिकंदरा जो मॉसलियम था वो किस मुगल इम्पेरर ने सिचुएट किया था, ये थे अकबर। नेक्स्ट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका सरस्वती सम्मान देती है, ये है के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट है थॉमस कप ये किस गेम से एसोसिएटेड है, ये है बैडमिंटन। नेक्स्ट है किस दिन नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये है 24 दिसंबर। नेक्स्ट है कौन सी रेलवे लाइन है जो रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये है कलका शिमला। ओके कलका रेलवे लाइन है जो आपको शिमला में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि किस ईयर चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च होगा, ये है 2019। ओके नेक्स्ट है किन्होंने ये बुक लिखा था ऑडेसिटी ऑफ होप, ये है बराक ओबामा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को अवार्ड किया गया था कॉन्ट्रीब्यूशन किस फील्ड में, ये है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है कि किनको सेलेक्ट किया गया है 2009 के वीमेन ऑफ डिस्कवरी अवार्ड के लिए, ये है अपराजिता दत्ता। नेक्स्ट है शौर्य मिसाइल जो है उनका रेंज कितना है, 700 किलोमीटर। नेक्स्ट है किनको दिया गया प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2008, ये है डॉक्टर रामी रंगन और जीएस भल्ला। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री जो है अलाउड की है एफडीआई इंडिया से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, तो ये है नेपाल। नेक्स्ट है नरेगा जो गारंटी है वो कितने दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देती है, ये 100 डेज़ के लिए देती है। नेक्स्ट है प्रकाश और मदांकिनी एमटे वो किस अवार्ड को रिसेंटली उन्होंने लिया है, ये दिया गया है मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा।
मीन्स इंडिया भारत के बारे में, तो ये है आर्टिकल फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं उस रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोसीजर को जिसमें कि आपको एक मोशन का डिबेट देखने को मिलता है और ये मोशन का डिबेट जो है वो उसको स्टॉप नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोशन ऑफ क्लोजर। क्योंकि मोशन ऑफ क्लोजर जब होता है तो इस समय कोई भी अगर आपका डिबेट चल रहा है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कब जो है एक बिल प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में और वो एक्ट बन जाता है। ओके तो बिल जो है प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में और जब ये सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस बिल में अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो ये आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज एसेंट। ओके जब प्रेसिडेंट अपना रजामंदी दे देते हैं तब ये जो है आपका बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मिनिमम एज जो कैंडिडेट के लिए चाहिए आपका प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वो कितना होता है, ये है 35 ईयर्स। नेक्स्ट एक कैंडिडेट जो है इलेक्शन के लिए सीक कर रहा है जो कि आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उसको कितना ईयर्स जो है कंप्लीट होना चाहिए, उसका जो है 25 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो उसका 25 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट कौन जो है रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपका लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर डिस्प्यूट हो गया तो इसको कौन रिजॉल्व करता है, तो इसको लोकसभा के स्पीकर रिजॉल्व करते हैं। ओके नेक्स्ट फिनेंस कमीशन जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन ये कितने साल के लिए किए जाते हैं, तो ये है 5 ईयर्स। नेक्स्ट जो हाई कोर्ट है उसमें आपको चीफ जस्टिस देखने को मिलते हैं और अदर जज भी देखने को मिलते हैं, तो ये अदर जज को कौन डिटरमाइन करता है, ये है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कौन रिमूव करता है हाई कोर्ट के जज को बिफोर उनके एक्सपायरी, मीन्स हर एक जज का एक टर्म होता है कि आपको 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर कंप्लीट करना है, तो बिफोर 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर कौन जो है जज को रिमूव करता है, तो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है और प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है लेकिन पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। ओके नेक्स्ट एक जज जो है आपका हाई कोर्ट का वो एड्रेस करता है अपना रेजिग्नेशन किसको, तो ये प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट जो जज है आपका सुप्रीम कोर्ट का वो ऑफिस होल्ड करता है तो उसका कितना एज होना चाहिए, अप टू 65 ईयर्स। 65 ईयर्स तक ही कोई एक जज है जो आपका सुप्रीम कोर्ट में रह सकता है। नेक्स्ट एक मेंबर है आपका लोकसभा का वो वैकेट हो गया वहाँ का सीट, यानी वहाँ का सीट खाली हो गया उनके टाइम से पहले ही खाली हो गया, तो वो किसको देना चाहते हैं, मीन्स अगर मान लो कि एक मेंबर है आपका लोकसभा का और वो अपना टाइम जो है 5 ईयर्स का कंप्लीट किए बिना वो पहले ही वो रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो किसको देंगे, वो स्पीकर को देंगे। ओके लोकसभा में किसको देंगे, तो स्पीकर को देंगे। नेक्स्ट एक मिनिस्टर है जो कि आपका मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का और वो इलेक्शन जीत गया है, तो उसको कितने मंथ में ही अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबरशिप लेना होगा, तो ये है 6 मंथ। नेक्स्ट एक मनी बिल जो है वो ओरिजिनेट होता है लोकसभा और राज्यसभा या दोनों में, कहाँ मनी बिल ओरिजिनेट होता है, तो मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट होता है। ओके मनी बिल के लिए आपको लोकसभा में स्पेशल पावर दिया गया है, राज्यसभा में सिर्फ मनी बिल कंसिड्रेशन के लिए जाएगा, अगर राज्यसभा को उसमें किसी भी तरीके की चेंजेस करनी है तो वो रिकमेंड कर सकता है और अगर नहीं करनी है तो सिर्फ 14 डेज तक ही राज्यसभा किसी भी मनी बिल को अपने पास रख सकता है, उसके बाद ये मनी बिल ऑटोमेटिकली आपका लोकसभा में चला जाएगा। ओके सो सारी पावर मिला जुला के आपका लोकसभा में है। नेक्स्ट कौन क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपका ब्लॉक लेवल का, कौन होते हैं, ये पंचायत समिति होते हैं। ओके नेक्स्ट अगर एक पर्सन जो है अरेस्ट कर लिए गए और पुलिस में डिटेन कर लिए गए तो उनको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट में प्रोड्यूस होने के लिए कितना पीरियड दिया जाता है, कितना टाइम पीरियड दिया जाता है, उनको 24 आवर्स दिया जाता है कि अगर कोई भी इंसान अरेस्ट हो गया और उनको जो है मजिस्ट्रेट ऑफिस ले जाना है पुलिस के द्वारा तो उनको 24 आवर्स दिया जाता है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड होता है उनका ट्रैवलिंग टाइम। ओके ट्रैवलिंग टाइम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एक सेशन है आपका लोकसभा का वो प्रोरोक्ड हो जाता है किसके ऑर्डर से, ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से प्रोरोक्ड हो जाता है। नेक्स्ट कौन डिसाइड करता है एक बिल मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें दो और वर्ड जो है ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, तो वो कौन कौन सी है, दो जो वर्ड यूज ऐड हुआ था वो आपका एसएस हुआ था, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ओके नेक्स्ट वो कौन से 5 वर्ड्स हैं प्रीएम्बल के जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, तो 5 वर्ड जो है वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट
कौन जो है अपॉइंट करते हैं एडहॉक जज को, जो सुप्रीम कोर्ट में आपको एडहॉक जज देखने को मिलते हैं। एडहॉक जज मतलब कि किसी भी स्पेशल केस को लड़ने के लिए, ओके, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं उन जजों को, जज को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद वो केस अगर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद वो जज का भी काम खत्म हो जाता है। तो उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेके। ओके, एक रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, वो प्रैक्टिस कर सकता है प्राइवेट, लेकिन किस कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है? तो कोई भी हाई कोर्ट का अगर जज रिटायर्ड हो जाता है तो वो किसी दूसरे कोर्ट में या फिर सेम और हायर लेवल में वो प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, जो एक ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है गवर्नर के द्वारा, तो वो उसी फोर्स में रह सकता है कितने मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम तक? तो 6 मंथ तक। अगर जो ऑर्डिनेंस आपका गवर्नर के द्वारा लाया जाता है, ऑर्डिनेंस कब होता है? जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। तो गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस ला रहे, इट मीन्स कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका सेशन में नहीं है, तो उस समय कुछ किसी भी ज़रूरी बिल के लिए जो एक्ट लाना पड़ता है वो गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस के रूप में लाते हैं। लेकिन अगर उसको जो है मैक्सिमम 6 मंथ तक चलाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे 6 मंथ आपका मैक्सिमम उसका लीगल पीरियड है, लेकिन उसके विदिन जो है उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना होता है। ओके, नेक्स्ट, किस आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो राइट टू इक्वालिटी देता है? तो राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 देता है, और आर्टिकल 17 यहाँ गलत लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देता है। ओके, नेक्स्ट, कौन सी आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर चैप्टर है फंडामेंटल राइट का? वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जो नंबर है कैटेगरी ऑफ फ्रीडम का इंडियन सिटीजन्स में वो कितना है? तो ये आपका 6 है। ओके, फ्रीडम जो दिया गया है आर्टिकल 19 में, वो आपको 6 फ्रीडम टोटल दिया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 370 जो है वो किस स्टेट में एप्लीकेबल होता है? तो आर्टिकल 370 आपका जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होता है। ओके, नेक्स्ट, कौन जो है पार्टिसिपेट करता है दोनों हाउस के प्रोसीडिंग में विदाउट इवन बींग ए मेम्बर? वो दोनों हाउस का मेम्बर नहीं होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेम्बर नहीं होता है, लेकिन उसके प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, कितने स्टेट हैं इंडिया के एट प्रेजेंट? तो ये आपको 29 है, ये आप न्यू कर लो। नेक्स्ट, कितने आपके यूनियन टेरिटरी है एट प्रेजेंट? तो ये है 7। नेक्स्ट, किस स्टेट ऑफ इंडिया में आपको साल ट्री देखने को मिलेंगे? ये है आसाम। नेक्स्ट, वन हॉर्न राइनोसॉर्स जो है वो किस नेशनल पार्क में है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको वन हॉर्न राइनोसॉर्स देखेंगे, जो कि बहुत ही फेमस है, और ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कहाँ जो है आपको परमानेंट सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है इंडिया में देखने को मिलेंगे? ये है लातूर में। नेक्स्ट, कब एक पर्सन जो है ट्रैवल कर सकता है केरला टू दिल्ली? तो उसको कौन से फॉरेस्ट जो है वो दिखेंगे रास्ते में, सीक्वेंस में बताना है। ओके, केरल से दिल्ली जाएंगे तो कौन कौन से फॉरेस्ट दिखेंगे? तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखेंगे, जो कि आपको केरल में देखने को मिलता है। फिर आपको सवाना देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपको ड्राई डेसीडियस देखने को मिलेगा, और उसके बाद दिल्ली में आपको डेसीडियस देखने को मिलेगा। ओके, कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसमें कि आपको 50% जो है टोटल सिल्क प्रोड्यूस होता है? तो सबसे ज़्यादा तो 50% जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो है कर्नाटका में। नेक्स्ट, कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में आपको जो है 60% ऑफ इंडिया का टोटल साल्ट प्रोड्यूस होता है? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट, मैक्सिमम रॉ सिल्क जो है वो आपका कौन स्टेट से आया है इंडिया में? ये रॉ सिल्क आपको कर्नाटका से देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, जो उस ब्रिज का क्या नाम है जो इंडिया और श्रीलंका के ब्रिज में है? ये है एडम ब्रिज। ओके, आप मैप में भी देख सकते हो, एडम ब्रिज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट, किस ईयर में अरुणाचल प्रदेश जो है वो फुल फ्लेस्ड स्टेट बन गया था? 1987 में। पहले अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना के अंडर में भी था, तिब्बत के अंडर में भी था, लेकिन 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक अपना एक फुल स्टेट बन के निकला। एज़ पर 2001 सेंसस, कौन सी ऐसी मोस्ट लिटरेट रिलीजियस कम्युनिटी है इंडिया में? वो है जैन जो धर्म है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट रिलीजियस कम्युनिटी है, मीन्स सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट, बनिहाल पास जो है आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेंगे? बनिहाल पास आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, गंगा जो है उसको बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में हम लोग पद्मा नाम से जानते हैं गंगा को। ओके, नेक्स्ट, फनल शेप्ड का जो लोकेशन होता है वो आपका खासी, गारो और जयंतिया हिल से सराउंडेड है मेघालय में, और पॉपुलर है प्लेस का जिसमें कि आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलेगा, तो उसका क्या नाम है? ये है चिरापुंजी।
चेरापूंजी एक ऐसा जगह है मेघालय का जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, मींस इंडिया में अगर बात करें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है तो वो है चेरापूंजी, जहाँ पे आपको 400 सेंटीमीटर से भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? चिपको मूवमेंट आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कॉयर इंडस्ट्री जो है वो कंसंट्रेटेड है किस स्टेट में? ये है केरल में। नेक्स्ट, अभिजीत वेजाजीवा एक लीडर है वो किस कंट्री से है? ये आपको थाईलैंड से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ जस्टिस ये बुक किसकी लिखी गई है? आइडिया ऑफ जस्टिस जो है ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया जो है ऑब्जर्व करता है सेंट्रल एक्साइज डे? तो ये है 24 फरवरी। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे 500 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो ये आपकी सीरीज़ थी, इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग 20,000 स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये आपको हेल्पफुल होगा किसी भी तरीके की पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। आप कोई भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम दो, लेकिन आपको स्टैटिक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, ये रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम से बैठने से पहले 20 to 50,000 क्वेश्चंस जो है स्टैटिक पोर्शन के तो कंप्लीट करके ही जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ओके, सो जैसे अभी अभी आपका 16 दिसंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स है, तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है विद द हेल्प ऑफ मैप, तो आप मुझे अन अकेडमी वे भी फॉलो कर सकते हो ऋषिका नाम के प्रोफाइल से, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप, और यहाँ पे आपको रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी 6 to 12 स्टैंडर्ड के, और साथ ही आपको 64th पीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस लेसन देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।